सो हेलो एवरीवन क्लब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पबजी में रिकॉइल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो कि न्यू प्लेयर्स हैं पबजी के ऊपर, उनको काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि रिकॉइल पबजी में क्या होता है, और उनके टीममेट्स भी कभी कभी बोलते हैं कि यार इस गन का रिकॉइल बहुत गंदा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि रिकॉइल मीन्स क्या होता है। तो हम अभी ओपन कर रहे हैं हमारा ट्रेनिंग मोड। तो यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग मोड ओपन होने जा रहा है और हम कुछ गन्स लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें रिकॉइल क्या होता है। और कई लोग बोलते हैं कि रिलोडिंग को ही रिकॉइल कहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलोडिंग को कभी भी रिकॉइल नहीं कहा जाता है। तो चलिए हम कुछ गन्स को ले लेते हैं, जैसे मैं M2 ले लेता हूँ। ये कौन सा गन है यार, M249 है, तो M249 और मैं ले लेता हूँ एक अस्कारिल। तो M249 और अस्कारिल लेने के बाद मैं यहाँ पर से कुछ एमोज उठा लेता हूँ। और चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं, और एक ले लेता हूँ 2x का स्कोप। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें रिकॉइल क्या होता है। और जैसे ही हम इस पर, देखिए ये 20 मीटर ऊपर लंबा है और अभी हम इस पर फायरिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये देखिए ये उतना ऊपर गया। और अब हम चेक करते हैं कि ये कितना ऊपर जाता है। तो ये देखिए, ये इसका जो M249 का रिकॉइल है, इट मींस इसका जो M249 का रिकॉइल है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। और अभी हम आपको 2x से ही इसको भी दिखा देते हैं। हम यहाँ से लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि किसका रिकॉइल कैसा है। और रिकॉइल मींस क्या होता है कि जितना आपका जो गन है वो जितना ज़्यादा हिलेगा इधर उधर, उसी को रिकॉइल कहते हैं। और फ्रेंड्स, इधर उधर हिलने का मतलब है कि ये ऊपर में ही जाएगा, ऊपर में। देखिए जैसे कि अभी मैंने इससे फायरिंग किया और ऊपर में और इधर उधर ये गन भाग रहा है। देखिए ये किधर किधर से गया है, ये इधर इधर से कुछ टेढ़ा मेढ़ा ये चला गया। तो इस कारण से जो हमारे एनिमीज़ हैं वो बहुत ही जल्दी भाग जाते हैं, और इसी को रिकॉइल कहा जाता है। तो आप सभी रिकॉइल के बारे में मेरे इस वीडियो में जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिकॉइल के बारे में जान चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही छोटा था, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।